सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 3 हिंदी के पाठ 7 पाठ टिपटिपुआ नामक पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले पाठ में आए प्रश्न और उनके उत्तर। बच्चों प्रश्न, पहला प्रश्न है, हाँ बचवा, न सिरवा का डर न बघवा का डर, डर तो डर टिपटिपवा के डर। एक काका, तुम्हारे घर की बोली में बच्चों इस बात को कैसे कहेंगे? इसका उत्तर होगा, बेटा ना तो मुझे शेर का डर है ना बाघ का, मुझे तो इस टिप टिप करते पानी से डर लगता है। बच्चों अगला प्रश्न, कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? उत्तर, इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिपटिपुआ का काम तमाम किया है, अतः हम इन्हें ही टिपटिपुआ कहेंगे। अगला प्रश्न, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? उत्तर, मैं अपनी दादी के साथ सोने, उनके साथ टीवी देखने तथा उनके साथ घूमने जाने के लिए मचलता हूँ। आगे प्रश्न, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया, सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? उत्तर, बच्चों खूंटे से गाय भैंस बकरी घोड़ा बैल आदि सभी जानवर बांधे जाते हैं। बच्चों आगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, बच्चा रोज रात को क्या करता था? उत्तर, बच्चा रोज रात को दादी से कहानी सुनता था। अगला प्रश्न, एक दिन कैसी बारिश हुई? उत्तर, एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। प्रश्न 3, बाघ झोपड़ी के पीछे क्यों छिप गया? उत्तर, बाघ वर्षा से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे छिप गया। प्रश्न 4, टिपटिपुआ कौन था? इसका उत्तर होगा, बच्चों टिपटिपुआ झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी था। अगला प्रश्न, बाघ ने टिपटिपुआ को क्या समझा? उत्तर, बाघ ने टिपटिपुआ को समझा कि वह कोई मुझसे बड़ा जानवर है। प्रश्न 6, धोबी क्यों परेशान था? बच्चों आप जानते हैं धोबी गधा के खो जाने से परेशान था। प्रश्न 7, धोबी की पत्नी ने धोबी से क्या कहा? उत्तर, धोबी की पत्नी ने धोबी से कहा कि गांव के पंडित बड़े ज्ञानी हैं, उनसे जाकर आप क्यों नहीं पूछ लेते? प्रश्न 8, पंडित ने धोबी को क्या कहा? बच्चों पंडित ने धोबी से कहा कि क्या तुम्हारे गधे का पता मेरी पोथी में लिखा है? जाकर किसी तालाब या पोखरी में देख लो। प्रश्न 9, धोबी ने बाघ को कहाँ बांधा? उत्तर,
धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। अगला प्रश्न, गांव वाले क्या देखकर हैरान हो गए? बच्चों, गांव वाले बाघ को देखकर हैरान हो गए। आप जानते हैं, जब गांव वाले सुबह बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि धोबी के घर के सामने बाघ बंधा हुआ है, तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। बच्चों, आगे कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही छोटे हैं, आइए देखते हैं इनको भी। टिपटिपवा किसे कहा गया है? छोटा सा उत्तर देना है, बारिश के टपकते पानी को कहा गया है। प्रश्न दो, पंडित जी के पास जाने का सुझाव धोबी को किसने दिया? धोबी की पत्नी ने धोबी को पंडित जी के पास जाने का सुझाव दिया। प्रश्न तीन, पंडित जी ने धोबी से गधे को कहाँ ढूंढने को कहा? उत्तर, तालाब या गढ़ई में ढूंढने को कहा। प्रश्न पांच, तालाब के किनारे कैसी घास उगी थी? तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी। बच्चों, आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न के नीचे चार ऑप्शन है, चार में से एक उत्तर सही है, उसका चयन आपको करना है। आइए देखते हैं। पहला, टिपटिपवा के डर से बाघ कहाँ छिपा बैठा था? तालाब में, जंगल में, गांव में, घास में? बच्चों, इसका उत्तर आप खोजकर लिखिए। प्रश्न दो, धोबी ने बाघ को कहाँ बांधा? खंभे से, पेड़ से, दरवाजे से या फिर खूंटे से? आप कहानी के आधार पर इसका उत्तर खोजिए और लिखिए। प्रश्न तीन, पानी उलीच उलीच कर कौन परेशान हो गया था? पंडित जी, आगे धोबी, बुढ़िया, गांव वाले? बच्चों, इसका उत्तर चार में से जो सही हो उसको आपको लिखना है। बाघ और ज्यादा क्यों घबरा गया? टिपटिपवा के कारण, तूफान के कारण, अचानक हमले के कारण या धोबी के कारण? तो बच्चों, आपने पूरे लेसन को पढ़ा है, आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। आप जो सही उत्तर है उसको आगे लिखिए। पांचवा, बाघ ने किसे टिपटिपवा समझ लिया? बच्चों को, धोबी को, पंडित जी को या बुढ़िया को? इसका बच्चों चारों में से एक उत्तर सही है, उसको आपको लिखना है। बच्चों, पीछे हमने आपको पांच प्रश्न पूछे और उनके उत्तर आपको लिखने के लिए मैंने कहा। आपकी सुविधा के लिए मैंने उनका उत्तर लिख दिया है। आप यहाँ से आप उत्तर देख करके वहाँ लिख सकते हैं। पहले का उत्तर होगा घास में, दूसरा खूंटे से, तीसरा पंडित जी, चौथा अचानक हमले के कारण और अंतिम धोबी को। अब निश्चित रूप से बच्चों आप इन वाक्यों को वहाँ पर लिख देंगे। आगे है तरह तरह की आवाजें। प्रश्न, पानी के टपकने की टिप-टिप टिप-टिप आवाज आ रही थी, सोचो और लिखो ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? उत्तर, खर खर तेज सांस आने पर बच्चों, भिन्न भिन्न मक्खी के आसपास घूमने पर या मंडराने पर, चर चर बच्चों ये आवाज दरवाजा खुलने पर आती है, भग भग तेज आग लगने पर भग भग की आवाज आती है, ठक 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 दरवाजा खटखटाने पर आवाज आती है, तड़ तड़ बच्चों जब तेज बारिश होती है या मूसलाधार बारिश होती है तब तड़ तड़ की आवाज आती है। बच्चों, एक से ज्यादा अर्थात एक वचन से बहुवचन। उत्तर,
एक कहानी सभी कहानियाँ, एक तितली कई तितलियाँ, एक नदी दस नदियाँ, एक चूड़ी दस चूड़ियाँ, एक खिड़की चार खिड़कियाँ। तो बच्चों ये आपको मालूम है कि जब हम एक से अधिक की बात करते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। बच्चों आज इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।